हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टिंकल चुन्नत पर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसा पेटीएम ऑफर्स के बारे में, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर वॉच करना। और आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम के लिए आए तो यार सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रोज़ाना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का अपडेट मिल सके। तो गाइस, ऑफर निकल कर आ रहा है जिंगोए का एप्लीकेशन की तरफ से। जिंगोए में जाके अगर आप गिफ्ट कार्ड परचेस करते हो तो आपको पता ही होगा गिफ्ट कार्ड परचेस करने के लिए आपको भारी भरकम कैशबैक वहाँ पर मिलता है UPI मोड से पेमेंट करने के लिए। तो गाइस, अभी एक नया ऑफर निकाल का है जो 27 फरवरी रात 12 बजे तक आपको मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो 28 तारीख को देख रहे या फिर बाद में देख रहे तो ये कोई काम का है नहीं, तो ओनली फॉर 27 तारीख के लिए ऑफर है, 26-27 को। तो मैं 27 को आज बता देता हूँ क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, गिफ्ट कार्ड आप कोई भी गिफ्ट कार्ड परचेस कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ जिंगोए का गिफ्ट कार्ड आप परचेस कर सकते हो, अमेज़न का परचेस कर सकते हो और पेटीएम का भी परचेस कर सकते हो। लेकिन पेटीएम का गिफ्ट कार्ड अगर आप वहीं से परचेस करोगे तो वहाँ पर आपको 7% का चार्ज देना पड़ेगा। और अगर 7% का चार्ज दोगे तो गाइस ये ऑफर के ज़रिए आपको 20 रुपये ही मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास अमेज़न है, अमेज़न पे का अगर आप गिफ्ट कार्ड परचेस करते हो तो आपको 55 रुपीज़ का प्रॉफिट होने वाला है। तो गाइस, मैं बता देता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। सिंपली आपको जिंगो एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो जिंगो एक ऐसा एक एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप बहुत ज़्यादा गिफ्ट कार्ड परचेस कर सकते हो। तो मैं डेटा कनेक्शन ऑन कर लेता हूँ। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जाके आप कोई भी गिफ्ट कार्ड परचेस कर सकते हो। अगर आपको चाहिए पेटीएम का गिफ्ट कार्ड, लेकिन वहाँ पर अगर पेटीएम आउट ऑफ स्टॉक शो हो रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा सबसे पहले आप गिफ्ट कार्ड परचेस कर लीजिए जिंगोए का। क्योंकि जिंगोए का गिफ्ट कार्ड परचेस करोगे तो आप उस गिफ्ट कार्ड का जो पिन है, गिफ्ट कार्ड का नंबर है, उसको आप कोई भी गिफ्ट कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर अमेज़न में ट्रांसफ़र करोगे तो गाइस आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर मैं बात करूँ वहाँ पर पेटीएम में ट्रांसफ़र करोगे तो आपको 7% का चार्जेस लगेगा पेटीएम गिफ्ट कार्ड में, ठीक है। तो उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर ऑफ़र शो ही हो जाएगा, आप देख सकते हो। मैं अगर स्क्रॉल करके ऑफ़र पेज में आऊँगा तो एक ऑफ़र आपको शो हो जाएगा 5 पे 55। यहाँ पर सीधी सीधी लिखा है गाइस, आपको अगर 5 पेमेंट करते हो अपना पेटीएम UPI से तो आपको 55 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। ये ऑफ़र 26-27 फरवरी तक है और हर एक ट्रांजेक्शन का वैल्यू मिनिमम 100 रुपीज़ तक का होना चाहिए, यानी 100 रुपये आपको होना चाहिए। और अगर आप करते हो कोई एक ट्रांजेक्शन तो आपको वहाँ पर 10 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा 24 घंटे के अंदर। यानी आप चाहो तो एक ट्रांजेक्शन करके छोड़ भी दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि 5 ट्रांजेक्शन करो तो 5 ट्रांजेक्शन करने के बाद आप ये पैसा ज़रूर अपने अकाउंट पर ले सकते हो। तो चलिए आगे बात कर ले, तो ऑफ़र आपको कैसे क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आने के बाद आपको व्यू ऑल गिफ्ट कार्ड बोल के जो ऑप्शन दिख रहा है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेटीएम का गिफ्ट कार्ड भी अवेलेबल है, जिंगोए का अवेलेबल है, अमेज़न का अवेलेबल है, बिग बाज़ार, गाना, बुक माई शो, सारा का सारा गिफ्ट कार्ड अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको जिंगोए का गिफ्ट कार्ड परचेस करने तो सिंपली जिंगोए का ऑप्शन पर क्लिक करो। तो करने के बाद आपको मिनिमम वैल्यू रखना है गाइस 100 रुपीज़। तो आपको स्क्रॉल करके देखो 100 रुपीज़ का गिफ्ट कार्ड कहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं। ये देखो गाइस, यहाँ पर 100 रुपीज़ का गिफ्ट कार्ड है, उसको ऐड कर लो। तो ऐड करने के बाद आपका ये जो चीज़ है ये बकेट में पहुँच जाएगा माई ऐड कार्ड में। तो यहाँ पर जाने के बाद गाइस आपको आप देख सकते हो 3 ऑफर्स अवेलेबल, यानी ये जो आप 100 रुपीज़ का गिफ्ट कार्ड परचेस कर रहे हो तो इसके लिए गाइस 3 ऑफर अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ क्या करना पड़ेगा। तो देखिए गाइस, पेटीएम UPI से अगर आप पे करते हो तो 5 पे 55 का जो ऑफ़र है ये आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। कंटिन्यू ऑप्शन क्लिक करने के बाद पे नाउ 100 ऑप्शन वाला पर क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, पेटीएम ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेटीएम ऑप्शन आप जैसे ही सिलेक्ट कर लोगे, पेटीएम UPI ऑप्शन, तो उसके बाद अपना पेटीएम का UPI ID डाल देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 पे 55 UPI ऑफर्स ऑन जिंगोए। आप डिटेल्स भी यहाँ पे पढ़ सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसका तो कोई खास दरकार है नहीं। तो हम यहाँ से पे नाउ 100 यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए फटाक से क्लिक कर देता हूँ। तो ये क्लिक करने के बाद आपका जो है ये आपको एप्लीकेशन ओपन करना पड़ेगा, UPI एप्लीकेशन। तो हम पे करेंगे पेटीएम से, तो मैं यहाँ से पेटीएम वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा। तो पेटीएम सिलेक्ट कर दिया। तो पेटीएम सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल ऑटोमेटिक मैंने पेटीएम कर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपना बैंक चूज़ करके ये पे कर दूँगा 100 रुपीज़। तो मैंने यहाँ से पे कर दिया 100 रुपीज़, आप देख सकते हैं। और मेरा जो है अकाउंट से भी 100 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और 100 रुपये का जो आपको कुछ करने का दरकार है नहीं, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये काम हो जाएगा। आप देख सकते हैं 100 रुपये का मैंने पेमेंट कर दिया और ऊपर में देख सकते हैं मेरा 100 रुपये का जो जिंगोए का जो वाउचर ऑलरेडी मैंने परचेस कर लिया।
और अकाउंट से भी 100 रुपये मेरा डिडक्ट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद में बता दे तो आगे आपको क्या करना पड़ेगा। अभी आपको एक पेटीएम पे फिर से जाना पड़ेगा, तो चलिए मैं पेटीएम पे ओपन कर लेता हूँ। ये पेटीएम पे जाने के बाद गाइज यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ पर शो हो जाएगा, नया ऑफर्स, ये देखिए गाइज। और 4 अगर मैं जिंगो ये पे पेमेंट करूँगा तो इसके लिए मुझे 55 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। तो मैं ऐसे ऑफ़र को कर लेता हूँ एक्टिवेट। अगर मैं इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं करूँगा तो 10 रुपये मुझे ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी प्लीज़ यार फटाक से जाओ ट्रांजेक्शन कर लो, और आप लोग को भी 55 रुपये करके कैशबैक जिंगो में जिंगो की तरफ से पेटीएम पर मिल जाएगा। गाइज मुझे उम्मीद है ऑफर आपको अच्छा लगा, तो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर देना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।